अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 रिलेशनल मॉडल का पार्ट 6 कंप्लीट करेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है डेटाबेस लैंग्वेज, जिसमें हम DDL और DML को डिस्कस करेंगे। डेटाबेस लैंग्वेज, तो डेटाबेस लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? वो लैंग्वेज जो हम डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए और उस पर डिफरेंट फंक्शनैलिटीज को परफॉर्म करने के लिए यूज करते हैं, उसको हम कहते हैं डेटाबेस लैंग्वेज। डेटाबेस लैंग्वेज में हमारे पास स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज है, इसके अलावा और भी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, क्यू भी है जो हम यूज कर सकते हैं। हमने जो अभी डिस्कस करनी है वो आगे स्ट्रक्चर्ड क्यूरी लैंग्वेज इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। डेटाबेस लैंग्वेज में हमारे पास मेजरली चार पार्ट्स होते हैं, DDL, DML, DCL एंड TCL, लेकिन हम यहाँ पर कवर करेंगे सिर्फ DDL और DML को, क्योंकि आपके सिलेबस में सिर्फ ये दो पार्ट्स लिखे हुए हैं, तो हम बाकी दो पार्ट्स को कवर नहीं करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं DDL। DDL की डेफिनेशन देखते हैं। DDL स्टैंड फॉर, सबसे पहले तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। अ लैंग्वेज दैट इज यूज टू डिस्क्राइब एंड नेम द एंटिटीज, एट्रीब्यूट, रिलेशनशिप, एसोसिएटेड इंटीग्रिटी एंड सिक्योरिटी कॉन्स्ट्रेंट्स इज कॉल्ड डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। इट इज यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई अ स्कीमा। DDL लैंग्वेज एक लैंग्वेज है हमारे पास, ठीक है। इसके अंदर कुछ स्टेटमेंट्स आते हैं, या DDL के अंदर कुछ सर्टन काम है जो हम कर सकते हैं। तो कौन कौन से काम है? अ लैंग्वेज दैट इज यूज टू डिस्क्राइब, किस लिए यूज होती है ये लैंग्वेज हमारे पास? कोई भी एंटिटी है अगर हमारे पास, उसको डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि एंटिटी की बेस पे जो हमने टेबल बनाना है उस टेबल को डिस्क्राइब करने के लिए, यानी कि टेबल को क्रिएट करने के लिए, टेबल के अंदर जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे उनकी डिस्क्रिप्शन देने के लिए, उनकी डेटा टाइप्स क्या क्या हैं या क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, ये सारी डिटेल आपकी DDL के अंदर आती है। रिलेशनशिप्स, यानी कि डिफरेंट जो टेबल्स हैं आपकी डेटाबेस के अंदर, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप्स हैं उनको डिफाइन करने के लिए आप DDL लैंग्वेज यूज करते हैं। इसके अलावा क्या है? एसोसिएटेड इंटीग्रिटी, यानी कि जो डिफरेंट इंटीग्रिटी के रूल्स वगैरह आप डिफाइन कर रहे हैं वो भी इसके अंदर आते हैं। किसी अगर एट्रीब्यूट पे आप कोई रूल लगा रहे हैं या प्राइमरी की पे जो रूल्स डिफाइन होने हैं, इसके अलावा डोमेन से रिलेटेड जो भी रूल है वो सारे DDL स्टेटमेंट में आते हैं। और क्या है? सिक्योरिटी कॉन्स्टेंट, सिक्योरिटी से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी DDL में आती है, यानी कि उस पर्टिकुलर टेबल को कौन एक्सेस कर सकता है, कौन एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक है। उससे रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन भी आपकी DDL कमांड या DDL स्टेटमेंट्स के अंडर आती है। उसके अलावा क्या है? इट इज़ यूज टू डिफाइन एंड मॉडिफाई अ स्कीमा। स्कीमा किसको कहते हैं? टेबल को, यानी कि रिलेशन, टेबल और स्कीमा तीनों एक ही चीज़ के नाम, ठीक है। तो आपकी DDL स्टेटमेंट्स किस लिए और यूज होती हैं? कोई भी टेबल को डिफाइन करने के लिए या उसको मॉडिफाई या चेंज करने के लिए। यहाँ पे एक बात आप लोगों ने ध्यान में रखनी है कि ये जो मॉडिफाई या स्कीमा, स्कीमा मतलब टेबल, मॉडिफाई या टेबल की बात कर रहे हैं उसका मतलब है कि आपने टेबल के स्ट्रक्चर में चेंज करना है, ठीक है। टेबल के अंदर जो डेटा एंट्रीज हैं उनको नहीं चेंज करना, वो DML में आएंगी, आगे हम देखेंगे। DDL में जो हम चेंज की बात कर रहे हैं वो टेबल के स्ट्रक्चर को चेंज करना। किस किस्म का? जैसे टेबल के अंदर आपने कोई नया एट्रीब्यूट ऐड करना है, या कोई एट्रीब्यूट पहले गलत ऐड हो गया उसको डिलीट करना है, या किसी एट्रीब्यूट की डेटा टाइप चेंज करनी है, ठीक है। तो ये आती है मॉडिफिकेशन में। अगली बात क्या हो रही है? द रिजल्ट ऑफ द कंपाइलेशन ऑफ DDL स्टेटमेंट इज सेट ऑफ टेबल्स स्टोर्ड इन स्पेशल फाइल कॉल्ड डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी क्या है? ये हमारे पास एक कंपोनेंट है रिलेशनल डेटाबेस का, जिसको हम पिछले लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं, ठीक है। डेटा डिक्शनरी में हमारे पास हमारे डेटाबेस के अंदर जितना भी डेटा है उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, ठीक है। तो DDL में हम क्या कर रहे हैं? नए टेबल्स बना रहे हैं, उनके एट्रीब्यूट्स देख रहे हैं, डिफरेंट टेबल्स के आपस में रिलेशनशिप्स देख रहे हैं, इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स देख रहे हैं, इसके अलावा सिक्योरिटी से रिलेटेड कॉन्स्टेंट्स देख रहे हैं। तो ये जो सारी की सारी इंफॉर्मेशन है ये भी क्रिएशन से रिलेटेड है। तो ये जो सारी फाइल्स होंगी ये टेबल्स की फॉर्म में जाके कहाँ पे स्टोर होंगी? आपकी डेटा डिक्शनरी में, ठीक है। यानी कि DDL की स्टेटमेंट्स
जो भी डाटा लेके आएंगी वो सारा आपकी डाटा डिक्शनरी में जाके सेव होगा। इट कंटेन मेटा डाटा, ये कौन कंटेन करता है? डाटा डिक्शनरी। डाटा डिक्शनरी में आपके पास क्या होता है? मेटा डाटा। मेटा डाटा किसको कहते हैं? डेटा अबाउट डेटा इज कॉल्ड मेटा डेटा। ठीक है, यानी कि किसी एक डेटा के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है या जो मालूमात है उसको आप कहते हैं मेटा डेटा। जैसे एक टेबल है आपके पास, उस टेबल में कितने एट्रीब्यूट्स हैं, क्या क्या उनकी टाइप्स हैं, क्या क्या उन पे रूल हैं, ये सारी उस टेबल के बारे में इन्फॉर्मेशन है ना, तो ये कहलाएगा उसका मेटा डेटा। तो ये जो सारे का सारा मेटा डेटा है वो डेटा डिक्शनरी में जाके सेव होगा। डीडीएस स्टेटमेंट्स, ये हमारे पास नीचे कुछ स्टेटमेंट्स मैंने लिखी हैं जो डीडीएस स्टेटमेंट के अंदर आती हैं। ठीक है, तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास क्रिएट। क्रिएट की स्टेटमेंट किसके लिए यूज होती है? अगर आपने कोई नई डेटाबेस क्रिएट करनी है या डेटाबेस के अंदर कोई टेबल क्रिएट करना है, कोई फंक्शन बनाना है या कोई व्यू जनरेट करना है, तो उसके लिए हम क्रिएट की कमांड यूज करते हैं और ये आती है हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के अंडर। ठीक है, डेटा डेफिनेशन स्टेटमेंट है ये हमारे पास सारी जितनी भी ये मेंशन की हुई है। ड्रॉप है, ड्रॉप किस लिए यूज होती है? इज यूज टू डिलीट अ टेबल फ्रॉम डेटाबेस। अगर आपने डेटाबेस के अंदर कोई टेबल बना दिया है, बाद में आपको लगता है कि ये नहीं चाहिए या गलत है टेबल या रिपीट हो गया है, तो आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके लिए आप ड्रॉप की कमांड यूज करेंगे। ड्रॉप की कमांड से वो टेबल जो है वो डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा। नेक्स्ट है अल्टर। अल्टर इज यूज टू चेंज द स्ट्रक्चर ऑफ अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। ठीक है, ये हमने स्ट्रक्चर से रिलेटेड पीछे भी थोड़ी सी बात की है कि जैसे अगर आप टेबल के स्ट्रक्चर को अगर चेंज करना चाह रहे हैं तो वो स्टेटमेंट भी हमारी डीडीएल के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे वही बात हो रही है कि अगर आप डेटाबेस के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाह रहे हो या किसी टेबल के स्ट्रक्चर में कोई चेंज करना चाह रहे हो, तो इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड है? अल्टर। ठीक है, जैसे ये आपके पास एक टेबल है, आप इसमें कोई और चेंज करना चाह रहे हो। लेट सपोज इस एट्रीब्यूट, इस वाले जो आपके पास एट्रीब्यूट है, इसकी डेटा टाइप चेंज करना चाह रहे हो, आपने इंटीजर रख दी थी, आप स्ट्रिंग करना चाह रहे हो, तो वो कर सकते हो। कोई आपसे एट्रीब्यूट मिस हो गया है, आपको लेट सपोज एड्रेस का एट्रीब्यूट भी चाहिए इधर, तो आप वो ऐड कर सकते हो। ठीक है, वो भी स्ट्रक्चर से रिलेटेड ही चेंज है ना, तो अल्टर के अंदर आती है इस तरह के जो भी आपने काम करने हैं। ट्रंकेट है नेक्स्ट हमारे पास। इट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल इंक्लूडिंग ऑल स्पेसिस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड आर रिमूव। तो यहाँ पे क्या बात करें, ट्रंकेट इज यूज टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम टेबल। पीछे हमने क्या बात की थी? ड्रॉप और ट्रंकेट दोनों थोड़ी सी मिलती जुलती हैं। ड्रॉप में फर्क क्या है? ड्रॉप ने पूरे के पूरे टेबल को डिलीट कर देना है डेटाबेस से, और ट्रंकेट ने क्या करना है? ट्रंकेट ने आपके टेबल के स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ना, वो ऐसे ही रहेगा, इसके अंदर जो एंट्रीज है ना या जितना भी डेटा है वो सारा डिलीट कर देगा। ठीक है, यानी कि अगर मैं ड्रॉप की कमांड लगाऊं इस टेबल पे तो ये पूरे का पूरा टेबल डिलीट हो जाएगा, लेकिन अगर मैं ट्रंकेट की कमांड लगाऊं तो उससे क्या होगा कि ये जो सारा डाटा एंटर किया हुआ है ना, 1 अली रजा BA, A ग्रेड, 2 मोहम्मद अहमद, ये सारी एंट्रीज डिलीट हो जाएंगी, और जो भी इनसे रिलेटेड स्पेस एलोकेट हुई थी वो भी सारी खत्म हो जाएगी मेमोरी से। ठीक है, तो क्लियर हो गया ये डिफरेंस ड्रॉप और ट्रंकेट में। ड्रॉप में पूरे का पूरा टेबल डिलीट कर दिया जाएगा और ट्रंकेट में उसके अंदर जो डाटा एंटर हुआ है सिर्फ वो डिलीट होगा, बाकी स्ट्रक्चर टेबल का वही रहेगा कि उसमें वो रोल नंबर, नेम, क्लास, ग्रेड, ये एट्रीब्यूट्स रहेंगे और ये टेबल रहेगा, लेकिन इसके अंदर कोई एंट्री नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है कमेंट। कमेंट इज यूज टू ऐड कमेंट टू द डेटा डिक्शनरी। डेटा डिक्शनरी में क्या होता है आपके पास? सारे डेटा की इंफॉर्मेशन, डेटा से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो डेटा डिक्शनरी में होती है। तो डेटा डिक्शनरी में अगर आप कोई कमेंट्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हो तो वो आप कमेंट कमांड के थ्रू ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है रीनेम। रीनेम इज यूज टू रीनेम एन ऑब्जेक्ट एग्जिस्टिंग इन द डेटाबेस। ठीक है, आप किसी टेबल का नाम चेंज करना चाह रहे हो, ठीक है, उसको रीनेम के थ्रू चेंज कर सकते हो। ये टेबल के अंदर जो हमारे पास डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं, लेट सपोज रोल नंबर को आप चेंज करना चाह रहे हो, इसका आप नाम रखना चाह रहे हो, रजिस्ट्रेशन नंबर पूरा लिखना चाह रहे हो, तो वो आप चेंज कर सकते हो। उसके लिए आप रीनेम की कमांड यूज करेंगे। ये जो जितने भी कमांड हैं ये आप देख रहे हैं कि स्ट्रक्चर को चेंज कर रहे हैं
या कोई नई चीज बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। इन इनमें से किसी भी कमांड ने जो डाटा एंट्रीज है उनको नहीं छेड़ा, ठीक है। तो ये जो कमांड है ये डेफिनेशन से रिलेटेड नहीं, या तो स्ट्रक्चर को चेंज करने के लिए किसी ना किसी तरह यूज हो रही है, या कोई नया स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास डीएमएल। डीएमएल की डेफिनेशन देखते हैं। डीएमएल स्टैंड फॉर पहले तो डेटाबेस मैनिपुलेटिव लैंग्वेज, अ लैंग्वेज दैट सपोर्ट्स द बेसिक डेटा मैनिपुलेशन ऑपरेशंस ऑन डेटा इन डेटाबेस इज कॉल्ड डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। यानी कि ऐसी लैंग्वेज जिसमें वो तमाम स्टेटमेंट्स आती हैं जिनके थ्रू आप डेटा पे मुख्तलिफ ऑपरेशंस या फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। वो सारी स्टेटमेंट्स कहलाती हैं डेटा मैनिपुलेशन स्टेटमेंट या लैंग्वेज के अंदर आती हैं। किस किस तरह की स्टेटमेंट्स हो सकती हैं? इंसर्शन ऑफ न्यू डेटा इन डेटाबेस। लेट्स सपोज अगर आप कोई नया डेटा एंटर कर रहे हो डेटाबेस के अंदर, ठीक है, आपने कोई टेबल बनाया उसमें वैल्यूज एंटर कर रहे हो, ठीक है। जैसे पीछे हमारे पास टेबल था ना, इसके अंदर हमने कोई नई रो ऐड करनी है, या कोई नया बिल्कुल टेबल बनाया है उसमें डेटा एंट्री करने लगे हैं आप, तो वो भी किस में आता है? इंसर्शन में, वो डीएमएल में आएगा, ठीक है। ये टेबल के अंदर आप वैल्यूज एंटर कर रहे हैं। मॉडिफिकेशन ऑफ डेटा, देखिए यहाँ पे भी मॉडिफिकेशन आ रहा है, पीछे भी मॉडिफिकेशन आया था, लेकिन जो डीडीएल में मॉडिफिकेशन था वो स्ट्रक्चर में था, टेबल या डेटाबेस के स्ट्रक्चर में। लेकिन ये जो मॉडिफिकेशन है ये है वैल्यू के अंदर, टेबल के अंदर जो वैल्यू है उनके अंदर अगर आप कोई चेंज करना चाह रहे हो। ये टेबल आगे शिफ्ट कर लेते हैं ताकि हम यहाँ पे इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लें, ठीक है। अब मॉडिफिकेशन से रिलेटेड देखते हैं। जैसे हम यहाँ पे रोल नंबर 2 की क्लास अगर चेंज हो गई, उसने सब्जेक्ट चेंज कर लिया, उसकी क्लास बीएससी हो गई है, तो हम किस कमांड के थ्रू चेंज करेंगे? मॉडिफिकेशन की कमांड के थ्रू, ठीक है। तो ये हम डेटा जो अंदर एंटर किया उसमें चेंजिंग कर रहे हैं। किसी का नाम चेंज हो गया तो वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी का रोल नंबर चेंज हो गया तो वो कर सकते हैं। कोई नया स्टूडेंट आ गया तो उसको हम नए को ऐड कर देंगे इसमें। रिट्रीवल ऑफ डाटा, यानी कि इसमें से आपने कोई ढूंढना है, पूरी की पूरी लिस्ट है ना यहाँ पे आपके पास, सारे रोल नंबर हैं जो उस क्लास में, तो आपने अगर किसी को सर्च करना है तो उसको कहते हैं रिट्रीव करना, तो उसको भी आप इसमें आता है आपके पास डीएमएल में आता है, उसके लिए रिट्रीवल की कमांड आप यूज करोगे। डिलीशन ऑफ डाटा में क्या है? कोई रो आप डिलीट करना चाह रहे हो, लेट्स सपोज रोल नंबर 5 छोड़ के चला गया आपका कॉलेज, तो आप उसको डिलीट करना चाह रहे हो, तो वो जो आएगी उसके लिए आप डिलीट की कमांड यूज करोगे या डिलीट की स्टेटमेंट यूज करोगे। ये जो मेजर 4 फंक्शंस लिखे हैं ये आते हैं आपके डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। मैनिपुलेशन का मतलब ही ये है कि आप डेटा के ऊपर कोई ना कोई चेंजिंग या कोई ना कोई डेटा को किसी तरह चेंज कर रहे हो, कोई फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हो। तो ये मेजर 4 फंक्शन है जो आप डेटाबेस पे लगा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास टाइप्स ऑफ डीएमएल। डीएमएल यानी कि डेटा मैनिपुलेटिव लैंग्वेज की फर्द तो 2 टाइप्स है हमारे पास। पहली है प्रोसीजरल डीएमएल और दूसरी है नॉन प्रोसीजरल डीएमएल। यहाँ पे जस्ट 1 लाइन डेफिनेशन है और इससे ज्यादा डिटेल में आपने जाना भी नहीं है। डीएमएल प्रोसीजरल डीएमएल क्या है? इट रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डेटा एंड हाउ टू गेट द रिक्वायर्ड डेटा। यानी कि प्रोसीजरल डीएमएल में यूजर ये भी बताएगा कि उसको कौन सा डेटा चाहिए, ठीक है, क्या क्या चीजें चाहिए और किस तरह से वो फेच होके आएंगी, या टेबल या डेटाबेस से किस तरह आएंगी वो ये भी बताएगा, ठीक है। 2 चीजें आती हैं प्रोसीजर में, क्या चाहिए और किस तरह से वो चाहिए, किस तरह से आएगा आपके पास, ठीक है। दोनों चीजें यहाँ पे बताई जाएंगी। नॉन प्रोसीजरल क्या कहता है? इट रिक्वायर अ यूजर टू स्पेसिफाई द रिक्वायर्ड डाटा विदाउट स्पेसिफाइंग हाउ टू गेट द डाटा। नॉन प्रोसीजरल में सिर्फ हमने ये बताना है कि हमें ये चीज चाहिए, कैसे आएगी हमारे पास हमें नहीं पता, हमें सिर्फ ये बताना है कि हमें ये रिक्वायर्ड रिजल्ट चाहिए, वो हमारे पास आ जाएंगे, ठीक है। तो नॉन प्रोसीजरल डीएमएल हमारे लिए ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें हमने बताना नहीं है कि हमारा काम किस तरह से होगा, बस हमें जो चाहिए हम वो मेंशन करेंगे, वो रिजल्ट्स हमारे पास आ जाएंगे। लेकिन प्रोसीजर में हमें डिटेल बतानी पड़ती है कि वो किस तरह से फैच हो के आएगा। ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा।
वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें. थैंक यू.